हेल्दी निधि में आपका स्वागत है। आपका चैनल जहां हम हेल्दी रेसिपी शेयर करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे बच्चों का मन पसंद मालपुआ और रबड़ी। मैंने कोशिश की है रबड़ी बड़ी आसान तरीके से शेयर करने की और उसके साथ एक ज़बरदस्त मालपुआ की रेसिपी जो ना तो तला हुआ है और जिसमें मैदा भी नहीं है। बादाम गुड़ से बना हुआ ये टेस्टी मालपुआ को चलिए आइए बनाते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर फुल फैट दूध ले ले और उसको गर्म कर ले। हीट को मीडियम रखें और बीच बीच में चलाते रहें। चलाने से पैन में रबड़ी चिपकेगी नहीं और धीरे धीरे पकती जाएगी। मैंने यहाँ हैवी बॉटम की स्टेनलेस स्टील पैन यूज़ किया है जिससे मिठाइयाँ अच्छी बनती है। चलाते चलाते आप देखेंगे दूध आधा हो गया है और फिर इसमें डालेंगे आधी कप चीनी और मिलाएं। चीनी मिलाने से आप देखेंगे रबड़ी पतली हो गई है। फिर इसमें डालेंगे 1 कप फुल फैट मिल्क पाउडर और 1 चम्मच इलायची का पाउडर। मिल्क पाउडर से रबड़ी क्रीमी हो जाती है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस दूध को थोड़ा देर और पकाएं। फिर इसमें 1 चुटकी केसर डालें जो रबड़ी को बहुत ही अच्छी खुशबू देगा और इसका कलर भी बहुत सुंदर हो जाएगा। मैंने यहाँ केसर डालते हुए सीन को रिकॉर्ड करना मिस कर दिया है, परंतु आप ज़रूर डालें। अब चलते हैं मालपुआ बनाने की ओर। मालपुआ बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप ओट्स का पाउडर लिया है और डालेंगे 1/2 कप बादाम का पाउडर। फिर इसमें 1 चम्मच सौंफ और डालेंगे इलायची का पाउडर, वो भी 1 चम्मच। फिर डालें 2 चम्मच गुड़ और 2 से 3 चम्मच फ्रेश नारियल। 1 कप फुल फैट दूध डालें और अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें बैटर को अच्छे से मिलाएं ताकि कोई लम्स ना रहे और सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। तो ये देखिए रबड़ी ठंडी हो गई है और कितनी थिक हो गई है। बैटर को मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब 1 कास्ट आयरन स्किलेट को गरम कर ले और उसमें घी लगाएं। 1 आइसक्रीम स्कूप की मदद से पैन में छोटे छोटे मालपुआ डालें। दोनों तरफ से घी लगाकर सेकें। यह मालपुआ इतना टेस्टी होता है कि बिना रबड़ी के भी खाया जा सकता है। दूध बादाम गुड़ से बना हुआ यह मालपुआ बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अगर आप चाहें तो शहद डालकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं सर्विंग की प्रोसेस की ओर। सर्व करने के लिए आप मालपुआ को कोई प्लेट या ग्लास किसी में भी सर्व कर सकते हैं। ठंडी ठंडी रबड़ी को बेस में डालें और उसके ऊपर गरम गरम मालपुआ रखें। फिर थोड़ी और रबड़ी और फिर मालपुआ रखें। टॉप लेयर में रबड़ी रखकर इसे पिस्ता और बादाम और थोड़े से केसर से सजाएं और सर्व करें। यह मालपुआ बहुत ही टेस्टी होता है और ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे बड़े दोस्त और त्यौहार में बनाएं यह टेस्टी और हेल्दी मालपुआ और रबड़ी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कर दिए हैं, तो कृपया बनाने से पहले एक बार उसको ज़रूर देख लें। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।